चलिए दोस्तों, आज हम फटे दूध की मिठाई बनाते हैं। आप इसे खोया भी बना सकते हैं, हमें दानेदार मिठाई बनाएंगे दोस्तों, आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने 1 गिलास दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था दोस्तों, इसलिए फट गया है। अब हम इससे मिठाई बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में दोस्तों, आप जरूर ट्राई कीजिएगा जब भी आपके घर में फट जाए दूध। तो देखिए, हम 1 गिलास एक्स्ट्रा दूध लिए हैं और ये चीनी लिए, आप अपने अनुसार चीनी यूज करें दोस्तों। हमने 2 से 3 चम्मच चीनी लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे, उसके बाद फटे दूध डालेंगे। देखिए, अब हमें इसे सुखाना है। देखिए, इस तरह हमें चलाते हुए रहना है, हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है दोस्तों इसे। देखिए, इस तरह हमें चलाते हुए रहना है, देखिए, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। देखिए, ये गाढ़ा थोड़ा हो चुका है दोस्तों। अब हम इसमें दूध डालेंगे, हमने 1 गिलास दूध लिया तो वो दूध डालेंगे और इस तरह मिक्स करेंगे। देखिए, ये दूध डाला था वो भी फट गया है। अब हम इससे थोड़ा थोड़ा पानी जो ऊपर आ जाता है हम उसे निकाल लेंगे, हमने निकाल लिया था। देखिए, और इस तरह हमें बॉयल आने देंगे, हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है इसे। देखिए, और इसे चलाते ही रहना। देखिए, अब हम इसमें चीनी डालेंगे, आप अपने अनुसार चीनी डालें। देखिए, हमने 3 बड़े चम्मच चीनी डाला है। देखिए, अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, हमें हाई फ्लेम पे ही इसे पकाना है दोस्तों। देखिए, और इसे अच्छे से मिक्स करें, ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करके हमें गाढ़ा बनाना है। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा पानी सूख रहा है, इस तरह हमें मिलाते हुए रहना है। देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। जब भी आपके घर में दूध फट जाए तो आप इस तरह से मिठाई जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए रहना है। देखिए, इसे लास्ट में 2-3 मिनट कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि वो अंदर सड़ जाती है। देखिए, ये मिठाई तैयार है, हमें इसे अच्छे से मिक्स करके अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने प्लेट को पहले ग्रीस कर लिया था, देखिए, हमने ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया था। हमें सारे खोया को इसमें डालेंगे और इस तरह में थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देंगे। देखिए, हम इसे थोड़ा देर के लिए सेट होने देते हैं। देखिए, हम अब कट कर लेते हैं इसे, ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है दोस्तों, फिर भी हम इसे कटिंग कर लेते हैं। आपको ये रेसिपी कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।